नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। कुशीनगर के बाद सहारनपुर में बरपा जहरीली शराब का कहर। अब तक 15 की मौत। सहारनपुर थाना क्षेत्र के गांव उमाही में जहरीली शराब पीने से 5 युवकों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर पहुंचे आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने यूएफटी न्यूज 24 लाइव चैनल पर की खास बातचीत। बराबर वही है, दोनों जगह दोनों जिलों में जिला आबकारी अधिकारी सहित उससे संबंधित इंस्पेक्टर और सिपाही निलंबित हो गए हैं। जो कुशीनगर में जो व्यक्ति जिसको चिन्हित किया था गाँव के लोग ने, राजेंद्र जायसवाल, उसके खिलाफ FIR उनको पकड़ भी लिया है। उनके सहयोगी को ढूंढा जा रहा है। दोबारा एक FIR आज भी दर्ज हुआ है, जहां हम लोग ने कई जगह कच्ची शराब का जो इस अभियान के दौरान पकड़ा गया है उसमें भी FIR हुआ है और 8 लोग की मृत्यु कुशीनगर में हुई है। उधर ये जो मृत्यु कुशीनगर में भी हुई है, ये बॉर्डर पर ही इसका निर्माण हो रहा था। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कहीं ना कहीं एक आदमी है जायसवाल, कहीं ना कहीं उसको निर्माण करके रखता था, उसी से उसने सबको दिया था। दूसरी ओर सहारनपुर में 36 लोग का देहांत अभी तक हो गया है। संख्या उत्तराखंड का हमको नहीं बताया कितना हुआ है, मगर उत्तराखंड में ही ये शराब पी के और वहीं उत्तराखंड में भी किसी भट्टी पर ये लोग सेवन किए थे, जहां से ये लोग अपने गांव वापस लौट रहे थे उत्तर प्रदेश में, जहां अब 36 लोग का देहांत हो गया है। सूचना जो मिला हमको कि उत्तराखंड ने भी काफ़ी कड़ी कार्रवाई की है, शायद उस संबंधित व्यक्ति को पकड़ भी लिया और उसको जेल भी डाल दिया और उसके ऊपर गैंगस्टर लोग क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे स्तर से भी FIR हम लोग ने दर्ज किया है। अपने साइड में भी बॉर्डर पर काफी मात्रा में इस तरह का शराब पकड़ा गया है, उस पर भी FIR किया गया और उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो इसका निर्माण करते हैं। और बाकी हमारे विभाग की कार्रवाई की भी उसी आधार पर जिला आबकारी अधिकारी और संबंधित इंस्पेक्टर सर्कल के उन सबको निलंबित कर दिया गया। तो कैसे विभाग की लापरवाही मानते हैं आपके विभाग द्वारा कुछ लापरवाही की गई है? हाँ, लापरवाही है। अगर इन लोग को बनाया गया इसलिए कि वो हर सेक्टर में, और छोटे छोटे हमारे सेक्टर होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं होते, उसमें अगर सक्रियता से अगर वो काम करें तो ये सब चीज मुखबिरी से और वहाँ घूमने से ही पता भी चल जाता है। तो हमारे जरूर हमारे विभाग की कहीं ना कहीं कमी आई है, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो क्या निर्देश दिए गए विभाग के अधिकारियों को, कुछ निर्देश भी जारी किया? निर्देश तो कल ही परसों ही जारी हो गया था, हर जगह अभियान चल ही रहा है और इस घटना के बाद, और संयुक्त टीम लेके जिसमें कई SDM को सभी जिलों में हम लोग ने एक टीम तैयार किया है, SDM और हमारे आबकारी अधिकारी के मिलके और पुलिस के अधिकारी मिलके एक टीम तैयार करके हर जिला में इस अभियान को चला रहे हैं और जहां भी इस तरह का है उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश। सर, गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है और यहां भी कई थाने से, बेलघाट थाने, कई थाने ऐसे जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे कच्ची शराब के गोरखधंधे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी वहां पे नहीं गया है। इस खबर में इतना ही। UFT News 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।